हाय फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल एस के सोनू टेक वर्ल्ड कैसे हैं फ्रेंड उम्मीद है, है काफ़ी अच्छे होंगे जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं कल एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अपडेट किया था कि स्नातक पार्ट टू सेशन 2019-22 का मार्कशीट मिल रहा है आपके कॉलेज में जे यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में आप सभी जा के ले लीजिए तो बीस तेईस वालों का कमेंट आया कि आप गलत क्यों बता रहे हैं उन्नीस बाईस तो कब का कंप्लीट हो चुका है क्या बीस तेईस का मार्कशीट आया है कॉलेज में तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि जे यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट टू सेशन 2020 23 का मार्कशीट कब से मिलेगा तथा जो उन्नीस बाईस का मिल रहा है अभी आखिर मार्कशीट क्यों मिल रहा है आखिर पहले क्यों नहीं मिला था और जब पहले नहीं मिला था तो आखिर परीक्षा फॉर्म कैसे भरा गया और पार्ट थ्री का एग्जाम कैसे हो गया इन सारी बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उन्नीस बाईस के बारे में जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताया था कि उन्नीस बाईस का मार्कशीट मिल रहा है तो छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्नीस बाईस का एग्जाम पार्ट थर्ड का भी हो चुका है और अभी कैसे मिल रहा है तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि उन्नीस बाईस का जो सेशन था उस समय काम करती थी एजेंसी यूएमआईएस और यू आई एजेंसी काम करती थी तो उस समय यूनिवर्सिटी और एजेंसी में डील हुआ था कि जब जेपी यूनिवर्सिटी कॉपी देगा यू एम एजेंसी को तभी वह प्रिंट करके मार्कशीट देगा उसके बाद कॉलेज में मिलेगा तो आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी ने यू एम आई एजेंसी को कॉपी नहीं दिया था और आप सभी जानते हैं कि पैसे का लेन देन जे यूनिवर्सिटी और यूएम आई कंपनी में चल रहा था जिसके कारण सभी ये प्रॉब्लम आई थी तो उस समय क्या हुआ था कि 1922 बाईस का जो मार्कशीट था पार्ट टू का वो मार्कशीट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया था नेट से डाउनलोड हो रहा था हार्ड कॉपी में नहीं मिला था और नेट वाले कॉपी से ही स्नातक पाठ सेशन उन्नीस बाईस का परीक्षा फॉर्म भरा गया था तो अब क्या हुआ है कि जेपी यूनिवर्सिटी खुद अपने से मार्कशीट तैयार करके हार्ड कॉपी में आपके अपने कॉलेज में भेज दिया है जहां से जा करके 1922 के उन्नीस बाईस के छात्र एवं छात्राएं अपना मार्कशीट को उठा सकते हैं अब सवाल है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट टू सेशन बीस तेईस का मार्कशीट कब से मिलेगा तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी से मिली सूचना के अनुसार आपका जो मार्कशीट है चार से पाँच दिनों के अंदर आपके अपने कॉलेज में भेजा जा सकता है आप लोगों का जो मार्कशीट है वह तैयार किया जा रहा है लेकिन आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि जेपी यूनिवर्सिटी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है ऐसा बहुत बार इंफॉर्मेशन आ चुका कि दस दिनों में आएगा 5 दिनों में आएगा आठ दिनों में आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया लेकिन एक बार फिर से अपडेट मिली है कि पाँच दिनों के अंदर सभी कॉलेज में मार्कशीट भेजा जाएगा अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सच में आप लोगों का मार्कशीट आता है कॉलेज में या फिर अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जैसे ही इस पर नई अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद